two more pipes are to be inserted because these pipes are of 6 meter length. So we'll need, with the first 6 meter length, we'll probably reach around 51-52, and with the next 6 meter length, we hope to break through. This is our own estimation and understanding. These assessments are obviously based on certain realities, but they are all assumptions. So it's not to be taken exactly, but we hope to be there somewhere. यार में जो आपने पाया कि 5 मीटर कोई ऐसा विद्युत नहीं मिलने वाला है, वो थोड़ा आसान रहेगा. क्या इसके बाद की जो लेंथ है, जो बचेगी लेंथ, करीब करीब 6 मीटर की लेंथ अगर बचती है, तो क्या उस तकनीक का फिर से इस्तेमाल किया जाएगा? आपका जो सवाल था बहुत बहुत सही सवाल है, क्योंकि अभी तो हम 5.4 मीटर एग्जैक्टली हम रीड कर पाए ये ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से. और जैसे मैंने बोला था, मैनुअली भी जो बंदा गया, पाइप काटा, उसने कॉन्क्रीट का प्लेटफॉर्म किया, उसकी शॉट, उसकी मतलब ग्राउंडिंग की, ग्राउटिंग की उसकी, और जो भी रॉक बोल्टिंग कहते हैं, रॉक बोल्टिंग भी की हमने, ताकि मशीन फिर से मजबूत से बैठा रहे प्रॉपर. उसका रॉक बोल्टिंग और ग्राउटिंग के वजह से हमने ज्यादा कॉन्क्रीट डाला और मजबूत रहे. हमने ऑफकोर्स एक्सिलरेटिंग एजेंट डाला कि जल्द से जल्द कॉन्क्रीट जम जाए, टाइम कोई वेस्ट ना हो. हम ये करके सारा फिर से सेट किया. अब ऑगर को हमने वापस रीअसेंबल कर लिया है. अब जैसे हम अभी आपको इसी प्रेस ब्रीफिंग में ये बताना चाहेंगे कि जब वेल्डिंग हो जाएगी, अब जो नई पाइप अब हम डालेंगे उसकी वेल्डिंग हो जाएगी. 2 घंटे लगते हैं उसमें, वेल्डिंग के प्रोसेस में भी. आपको ये पहले भी मैंने समझाया है कि वेल्डिंग का प्रोसेस इतने बारीकी से हमें करना पड़ता है और इतने केयरफुली करना पड़ता है कि वेल्डिंग की जगह पाइप से भी मजबूत रहे. ये प्रयास रहता हमारा. 2 घंटे बाद हम उम्मीद करते हैं वेल्डिंग हमारी पूरी हो और हम पाइप पुश करें, इस बार आगे पुश करें. इस बार कोई बाधाएं हमारे रास्ते पे ना आए, कोई अड़चन और ना आए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं. आप भी कीजिए हमारे साथ, ताकि हम तेजी से और आगे बढ़ें.